सर ये आपका ऑर्डर। अरे ये क्या, तुम ऑर्डर पे तो दिखा रहा है कि कोई लड़का आएगा डिलीवरी के लिए, पर तुम आई ऑर्डर पे? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर में छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए डिलीवरी करने के लिए, और उनकी जगह मैं डिलीवरी करती हूँ। और सर ये बात ना आप किसी को बताना मत, और सर प्लीज़ मेरी कंप्लेन मत करना। हाँ ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, पर तुम मुझे एक बात बताओ, घर पे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? वो सर एक्चुअली क्या है ना कि एक हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड का ना कार एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके अंदर ना उनको कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई, और डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने 1 महीने का उन्हें बेड रेस्ट बोला है, और जितनी भी हमारे पास सेविंग्स थी हमने सारी उनके ऊपर लगा दी उनके इलाज में। और सर हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई थी, इस वजह से उनकी जगह मैं डिलीवरी करती थी। और सर अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और मेरे बच्चों की फीस भी टाइम टू टाइम जाती है। और सर जब तक मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हो जाते उनका सारा काम मैं ही करूँगी, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो सारी डिलीवरी वही करेंगे। और सर हमारे पास अब कोई चारा भी तो नहीं है ना इस काम के अलावा। लोग तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करते हैं? अरे मेरा मतलब है कि जैसे कि तुम अपने पति के आईडी पे डिलीवरी करने जा रहे हो, तो लोगों को दिक्कत नहीं होती है उससे? सर हैरान तो होते हैं, पर जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं वैसे सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो सब लोग ना मेरी बात मान लेते हैं, कोई इतना बुरा नहीं मानता, और सब लोग हेल्प भी करते हैं। और सर उन लोगों में से आज तक मेरी किसी ने कंप्लेन भी नहीं करी है। हाँ सही कहा तुमने, काफ़ी लोग ना मजबूरी समझ जाते हैं। वैसे मैंने इसका पेमेंट ना मैंने ऑनलाइन कर दिया है। अच्छा ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, थैंक यू सर। अच्छा सुनिए, ये आप ना कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं सर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप ही रखिए। अरे मैडम आपने बोला ना कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के स्कूल फीस के लिए, तो आप एक काम करिए ना, ये पैसे रख लीजिए अपने पास, इससे ना कुछ मदद हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच सर, लेकिन इन पैसों को मैं अपने पास नहीं रख सकती, ये आप ही रखिए। अरे नहीं नहीं इन पैसों की ना मुझे ज़रूरत नहीं है, इन पैसों की आपको ज़रूरत है, ये पैसे अपने पास रखिए, क्योंकि यार तुम्हारे को पता है आजकल ना ऐसे पार्टनर कहाँ ही मिलते हैं जो अपने पति के लिए इतनी मेहनत करें। अब बताओ आप अपने पति से इतना प्यार करती हो, और मैं आपको ये थोड़ी ना कह रहा कि आप ये पैसे मुझे लौटाना मत, जब आपके पास हो जाए ना तो आप ये पैसे मेरे को लौटा देना, और एड्रेस तो आपको मालूम ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप बहुत अच्छे हैं, और आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तेरा खुद का काम तो चल नहीं रहा है पर तू लोगों को पैसे क्यों बांट रहा है? अरे साहिल तुझे तो पता ही है यार, जब मेरी कंपनी में भारी नुकसान हो गया था, मेरी कंपनी पूरी लॉस में चली गई थी, उस समय मेरा साथ मेरी वाइफ ने नहीं दिया, और उस टेंशन में मेरे को पैरालाइज मार गया था, और उस समय मेरी वाइफ मेरा साथ छोड़ के चली गई अपने मायके, मेरी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करी उसने। और यार साहिल तू इस औरत को ही देखना, ये भी तो एक औरत है जो अपने पति का इतनी मुश्किल समय में अपना साथ दे रही है, और उसकी जगह खुद डिलीवरी मारने जा रही है। अरे यार बता, मैंने तो सिर्फ उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको मैंने कुछ पैसे दे दिए, इससे ना उसको मोटिवेशन मिलेगी और आगे जाके ना ये और ज़्यादा मेहनत करेगी, समझा? अरे हाँ भाई आपने बहुत ठीक करा, चलो आओ अब खाना लगाता हूँ मैं, नहीं तो खाना ठंडे हो जाएंगे। आ जाओ। हेलो दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और इसकी ना हमारे को कदर करनी चाहिए हमेशा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे पेज को फॉलो कर लो, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।